नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 3 मई से कुकी और मेते समुदाय में आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। हिंसा के 48वें दिन रविवार देर रात वेस्ट इम्फाल में भीड़ ने फायरिंग की, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया। वह अस्पताल में है, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है। सेना ने सोमवार को बताया कि 18 और 19 जून की रात काटो सबल से चिंगमांग गांव की ओर भीड़ ने फायरिंग की, जिसमें जवान घायल हो गया। इलाके के ग्रामीणों की मौजूदगी को देखते हुए जवानों ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। सेना का फ्लैग मार्च जारी है। रविवार को भी सेना ने अम्फाल घाटी में फ्लैग मार्च किया था। वहीं इस हिंसा के चलते राज्य में व्यापार रोजगार पर भी असर पड़ा है। दुनिया के इकलौते मां मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां सिर्फ महिलाएं दुकान लगाती है, बाजार में सन्नाटा है। महिलाओं का कहना है कि ये हिंसा युद्ध का रूप ले चुकी है, इसमें सब कुछ तबाह हो चुका है। इम्फाल वेस्ट जिले के अधिकारियों ने बताया कि 18 जून को स्थिति नियंत्रण में होने के बाद सुबह 5 बजे से शाम 5 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी गई, ताकि आम जनताओं को दवा और खाद्य पदार्थों सहित आवश्यक वस्तुओं की खरीदी में आसानी हो सके। अधिकारियों ने कहा कि पिछले हफ्ते शुक्रवार को मणिपुर के थोंगजू में भाजपा कार्यालय में भीड़ ने तोड़फोड़ की थी। बुधवार को इम्फाल पश्चिम में मंत्री नेमचा किबजेन का घर जलाने की कोशिश हुई। इसी दिन हुई हिंसा में 9 लोग मारे गए, जबकि 10 से ज्यादा घायल हुए। मणिपुर सरकार ने 20 जून तक इंटरनेट पर बैन बढ़ा दिया है। अफवाह और अशांति को फैलने से रोकने के लिए पूरे इम्फाल वेस्ट जिले में वॉकी टॉकी की बिक्री और इस्तेमाल पर बैन लगा दिया गया है। इम्फाल का एक एमा कैथल यानी मां मार्केट 500 साल पुराना है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा मार्केट है जिसे सिर्फ महिलाएं संचालित करती है। यहाँ करीब 5000 महिला दुकानदार है। यूं तो इस बाजार में चहल पहल रहा करती थी, लेकिन अब हालत यह है कि महिला दुकानदार लोगों से निवेदन कर रही है कि वे खरीद लें, इसके बदले वे आधे पौने दाम लेने को भी तैयार है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।